एंड यू आर वॉचिंग वन के मुसाफिर। सो आज मैं आया हूँ ऋषिकेश में और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, अगर आप राफ्टिंग करना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं या आपको स्कूटी रेंट पे चाहिए तो मेरे बुक करवा सकते हैं। तो जो भी चार्जेस रहने वाले हैं, कैंप आप 1400 रुपये में समथिंग ले सकते हैं। राफ्टिंग करना चाहते हो तो अभी राफ्टिंग का बिल्कुल पीक सीजन चल रहा है तो 1000 रुपीज़ के आपको चार्जेस पड़ने वाले हैं। मैं आपको अंदर ले जाता हूं, अमित भाई मिल जाएंगे और सोनू भाई मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से रेफरेंस के थ्रू आ सकते हैं। तो ये हमारे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे हम अंदर चलते हैं। आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्कूटी बाइक रेंट पे, राफ्टिंग कैंपिंग। अच्छा, अभी राफ्टिंग का क्या चल रहा है? राफ्टिंग का अभी जो रेट चल रहा है 800 रुपये चल रहा है। 800 रुपये चल रहा है सबसे छोटी वाली? सबसे छोटी वाली का 600, बड़ी वाली का 800 रुपये। अच्छा, बड़ी वाली कितने किलोमीटर की? 16 किलोमीटर की। अच्छा, इससे बड़ी नहीं होती? इससे बड़ी होती है, मेन ड्राइव से रामजुला। उसके कितने चार्जेस है? उसके 1600 रुपये। अच्छा, 1600 रुपये। और कैंपिंग के क्या चार्जेस? कैंपिंग के भैया 1500 रुपये पर हेड है, लग्जरी कैंप है हमारा। अच्छा, और कैंपिंग में आपका दिन का लंच है, शाम का स्नैक, नाइट में वैन वन में सुबह का ब्रेकफास्ट, नाइट में 10 बजे तक। ओके ओके। और वन टाइम आप लाइक पिकअप देते हैं? एक टाइम का हमारा लेके जाएंगे, वापसी का आपका रहेगा। अच्छा अच्छा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है क्या भैया, आपको कैंप में जाने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, मतलब या तो आप पिकअप ले सकते हैं या तो आप ड्रॉप, एक आपको वन वे अप साइड पिकअप ले सकते हैं या ड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, तो सोनू भैया का मैं जो भी लिंक है, और सोनू भैया का सोनी नाम है ना आपका? हाँ, तो सोनू भैया का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं अभी आपको कैंप में जाकर इनका कैंप विजिट करवाता हूँ, कैंप में क्या क्या कैंप में जो जो फैसिलिटीज है, कितना हाइजीन है, वॉशरूम आपको कैसे मिलने वाला है, अटैच है, स्विमिंग पूल भी है, छोटी रिवर भी है कैंप के पास। अच्छा, तो बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है, एकदम प्राइम लोकेशन पे है, और माउंटेन्स मिलने वाले, झरने मिलने वाले, फॉल्स मिलने वाले, एंड आपको अंदर स्विमिंग पूल मिलने वाला है, उसका मैं प्रॉपर आपको विजिट करवा दूंगा। बाकी यहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है? बंजी जंपिंग है आपका, बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए भी गाड़ी देते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, और बाइक भी रेंट पे देते हैं। अच्छा अच्छा, बाइक का क्या चल रहा है, मोटा मोटा ओवरऑल बता दीजिए। बुलेट का 1000 रुपए। अच्छा, एक्टिवा का 500 रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा, और बंजी जंप का क्या चल रहा है? 3000 रुपए बंजी जंप। 3000 रुपए ओके, वो कहाँ पे होती है? वो शिवपुरी में होती है, 58 मीटर वाली। ओके ओके, एंड जिपलाइन का क्या चल रहा है? जिपलाइन का 1400 भी है, 1800 भी है। ओके ओके, अलग अलग रेट है, तीन जने करोगे तो। यहाँ पे मोस्टली जो भी हमारी एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है भैया, वो सारा प्रोवाइड करवाते हैं। भैया का नंबर मैं दे देता हूँ, एंड अगर मेरे ब्लॉग के थ्रू आओगे एंड मेरे चैनल के थ्रू आओगे, सब्सक्राइब करा होगा भैया के पास आप दिखाओगे, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत ऑफ तो जरूर मिल जाएगा, 150 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा, 250 डिस्काउंट एक बंदे पे टिकट पे आराम से मिल जाएगा। 4-5 लोग ग्रुप में आते हो तो सीधा सीधा आपके 1500 से 2000 रुपये आराम से बचते हैं। तो मेरी वीडियो आप भैया को दिखा देना या स्क्रीनशॉट लेके भी आप दिखा देना, आपको बेस्ट डील मिलने वाली है। और ये लोकेशन बता दो भैया, एग्जैक्टली कहाँ पे मिलेगा? ऋषिकेश बस स्टैंड ISBT। अच्छा, जो सरकारी बस स्टैंड है वही है हमारा ऑफिस है, एक हमारा शिवपुरी में कैंप है छोटी रिवर के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। ओके ओके, आप नवीन भैया के कॉन्टेक्ट से आओगे तो 250 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है भैया, थैंक यू। बाकी मैं ना कैंप का कर लूँ, जो मेन बस स्टैंड है उससे हल्का सा राइट में आके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया था, अभी थोड़ा सा खाना वाना खा रहे हैं, एंड देन ऊपर तपोवन को अपने कैंपिंग साइट को निकलेंगे और आपको दिखाते हैं कितना बेस्ट हमारा कैंपिंग साइट रहने वाला है। अभी फिलहाल के लिए मैगी इंजॉय कर रहे हैं, पराठे इंजॉय कर रहे हैं। मेन रोड हम शिवपुरी के लिए जा रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही, रुक जा अभी अंकुश आराम से देगा। तो सामने हमारा शिवपुरी के लिए जा रही है रोड, इधर से हमारा लक्ष्मण झूला की तरफ से आ रही है, अभी हम अपने कैंपिंग जा रहे हैं। भाई यहाँ पे राफ्टिंग हो रही है एंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई राफ्टिंग के लिए, एंड बहुत सारे लोग आ रखे हैं, इतना ज़्यादा क्राउड है ना भाई, सीरियसली मैंने कभी नहीं देखा हुआ, एक साथ चार पाँच मेरे ख्याल से, चल वहाँ चलना तो मोटे यहीं रुक जा। सो गाइस, हो गया शिवपुरी के लिए बैक जाने का बोल रहा है, यहाँ से गहरा राइट नीचे को दिखाइए, दिखाइए देखिए, नीचे से राइट है तो नीचे से ही राइट होगा ना। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे, वो ऊपर ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो हमारा कैंप है भाई, सब पीछे जाना है, पीछे जाना है, पीछे जाना है, जो सीन कर रखा पूरा का पूरा। लैपटॉप यहाँ नीचे रखा हुआ है, सो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आपका ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, गाड़ी भी ले जा सकते थे हम नीचे, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है एंड यहाँ पे आप लोग भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, एंड यहाँ से आपको थोड़ा सा 100 मीटर ऊपर थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, एंड देखो रोड ऐसी है, अपनी कार वार या XUV हो या मिनी XUV हो आप लेके आ सकते हो, बस यहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग का इशू चल रहा है एंड काफ़ी भीड़ हो जाती है तो फिर टर्न वर्न लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड रोड कच्ची सी है तो नीचे गिरने वरने के थोड़े से
रिक्स ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए अपने रिक्स पे लेके आएंगे तो बेटर रहेगा। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि यार थोड़ा सा ट्रैक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे बहुत अच्छी खासी रोड है, पार्क कर लो। जैसे देखो मेरे बैक में भी ये लोग आ रहे हैं, एंड आगे जगह तो है नहीं, ऐसी राइट वाइट में कहीं लगाएंगे आराम से, तो रिक्स रहता है। अब यहीं पर लगाएगा, यहीं पर जगह है थोड़ी बहुत, बाकी तो कहीं जाएगा ये। इसको देखो जगह नहीं मिल पा रही, पीछे ऐसी लेके आ रहा है, ऊपर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये है, बाकी मैं आपको पूरा ऊपर से दिखाता हूँ कि प्रॉपर आपका कैंप की लोकेशन कैसी है। 7768 है, एक बार नंबर कंफर्म कर लेते हैं, इसी में हो जाएगा। लोगों ने विजिट नहीं किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर टू टाइप्स के टेंट होने वाले, एक नॉर्मल टेंट होने वाला है एंड एक जिसमें वॉशरूम अटैच होगा, एक वो होने वाला है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर ये सेक्शन है जो थोड़े से ऊपर है, वो होने वाले, इनके रेट हमको 1400 रुपये कुछ पड़ने वाले हैं। एंड ये छोटे से है, इनका रेट हमको कुछ समथिंग 1200 या 1300 पड़ने वाले हैं। इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार, अगर ये खाली है तो इनको मैं अंदर से विज़िट करवा देता हूँ। सो इस तरीके के टेंट्स रहने वाले हैं, ये आप अंदर की कंडीशन देख सकते हैं, ये पूरा खाली है। एंड यहाँ पर आपको इतने बेड्स मिल जाएंगे। ये जो टेंट होता है ये आराम से 5 से 6 लोगों के स्टे करने के लिए होता है। हम लोग भी इसी टेंट में रुके हुए हैं और हमको 1400 रुपये कुछ इसका जो प्राइस लगा है। आप भी अगर हमारे वीडियोस के थ्रू आओगे तो आपको 1400 रुपये का ही करवा दूंगा। अमित भैया के थ्रू नीचे नंबर आ रहा होगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इस तरीके का कुछ स्पेशियस रहने वाला है आपका। यहाँ पे कूलर वूलर सब मिल जाएगा, ये पंखा चल जाता है इधर से। एंड यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपका कूलर का सेक्शन होता है। तो यहाँ पर ये कूलर की हवा आ जाती है, ठीक है। भाई इसका मैं आपको वॉशरूम एक्सप्लोर करवा देता हूँ। सो ये वॉशरूम जोन है, आप अंदर जाएंगे तो इस साइड आपको यहाँ पे मिरर भी मिल जाएगा, आप यहाँ पे अपना मिरर देख सकते हैं, लाइट है। यहाँ पे आपको सिटिंग पॉट और टॉयलेट भी मिल जाएगा, शावर की फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। तो टेंट से बिल्कुल एकदम कंबाइंड टॉयलेट है तो सेपरेट पड़ जाता है। और इस तरीके का ये टेंट रहने वाला है। एंड यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये आपकी लॉबी रहने वाली है। इधर पर भी आई थिंक यहाँ पे भी कोई नहीं आया, यस इधर तो कोई है ऑलरेडी। तो ये आपको लॉबी मिलने वाली है, यहाँ पे आप लॉबी को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ अपनी कुर्सी लेके आइए एंड यहाँ पे भी नॉर्मली बैठ जाइए। झूले वूले बेंच वेंच सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये आपको एरिया मिलने वाला है। हमारा टेंट वो वाला है, एरियाज है। और ये तो टू टाइप्स के टेंट मिलने वाले हैं आपको, एक ये जो बड़े हैं और एक ये छोटे टेंट मिलने वाले हैं जो ये है। इसको मैं देख लेता हूँ, अगर इनमें कोई नहीं है तो ये इस तरीके के मिलने वाले हैं। इसमें कोई है क्या आपको मिलने वाले हैं, इसमें थोड़ा अंदर अंधेरा है तो मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाऊँगा। इसमें आपको सिंपल अंदर बेडिंग मिलती है, दो बेड्स यहाँ पे आपको, तीन इस साइड में लगे हुए हैं एंड दो इस साइड में लगे हुए हैं। एंड एक कूलर आपको मिल जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें आपको पंखा नहीं मिलता है एंड इसमें एक ही लेयर होती है, टेंट की एक ही लेयर होती है, तो थोड़ी सी गर्मी होती है और उसमें वॉशरूम नहीं होता, तो इस वजह से इसके चार्जेस थोड़े से कम होते हैं। लाइक वो अगर आपको हमारे थ्रू वीडियो के थ्रू आएंगे तो वो 1400 का पड़ेगा, और इस पे अगर आप आएंगे डायरेक्ट आएंगे तो ये आपको कुछ 1300 का पड़ने वाला है, ये जो सिंगल लेयर वाला टेंट है। और हमारे थ्रू आएंगे तो ये आपको 1200 का पड़ जाएगा। इसकी लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आके यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैं इसका अभी आपको फूड जोन बाकी मैं इसका आपको कॉमन एरिया दिखा देता हूँ, जहाँ पर जाके आप खाना वाना खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। एंड रात का डिनर में क्या क्या मिलने वाला है वो मेनू मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई लोग हैं हमारे साथ फरीदाबाद से एंड ये भी हमारे कैंप में आया हुआ है, इनका ग्रुप आया हुआ। कैसा लग रहा है भैया, थोड़ा सा अपना फीडबैक दे दीजिए, कैसा है कैंप, कैसा है? पहली बार आ रहे हो या इससे पहले भी आ चुके हो? भैया इस कैंप में तो पहली बार आए हैं। अच्छा, इसमें उधर साइड आते रहते, तो इसका कैसा है? ठीक सही है, ठीक है। गर्मी तो नहीं लग रही नीचे वाले में? नहीं है, अच्छा मौसम है, मौसम काफी अच्छा हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो भाई लोगों ने पूरा हुक्का हुक्का लेके आए हुए हैं, पूरा अपना सेटअप है। और कैसे, अच्छा कोयला उसको जला के बना रहे हैं? उपले भी लाए हो? बिल्कुल, आपने तो घर बना दिया है। मुझे लग रहा है ऊपर जो भैंस रखे ना वो भी है। लोग एक साथ आए हुए हैं और अपना ही गैदरिंग कर रहे हैं एक साथ, और ये पूरा माहौल है। तो आप आ सकते हो, ऐसा एडवेंचर ले सकते हो, काफ़ी ठीक है यहाँ की जगह। मोमोज वाली चटनी कौन देता है भाई? चिप्स में तीनों रखी उन्होंने।